वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू हुए वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिवनी में वन विभाग ने विद्यार्थियों के लिए वन्य जीवन पर आधारित चित्रकला, निबंध, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता और प्रश्न मंच कार्यक्रम का आयोजन किया। सप्ताह के दौरान बर्ड वॉचिंग कैंप भी आयोजित किए गए। सिवनी जिले के 28 स्कूलों के करीब 600 विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें वन क्षेत्रों का भ्रमण करने से काफी जानकारी मिली। यहाँ कितनी ही नई टाइप की जानकारियाँ पता चली। यहाँ आकर सर ने बहुत सी जानकारियाँ दी। यहाँ हमें वन्य प्राणियों के बारे में, जंगलों के बारे में जानने का बहुत मौका मिला। हम लोग क्विज में पार्ट लिया और हमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। हमें जंगल दिखाने ले जाएंगे। अब हमें बहुत खुशी है कि अब हमें पेश टाइगर रिजर्व, जिसका हमने इतना नाम सुना था, सिडनी की सबसे अच्छी जगह देखने लायक, हमें वहाँ घूमने का मौका मिलेगा। सिवनी वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक अनिल कुमार ने बताया कि युवा पीढ़ी और आम नागरिकों को वनों और वन्य प्राणियों के बारे में जागरूक बनाने के उनके प्रयास को अच्छा प्रतिसाद मिला है। उनको प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम रखा था, जिसके लिए जिसमें वाद विवाद, चित्रकला, क्विज और वर्ड वाचिंग इत्यादि के कार्यक्रम रखे गए। उनकी प्रतियोगिता रखी गई और उसमें बच्चों ने, पूरे सिवनी जिले के सभी स्कूलों के बच्चों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उनको वन्य प्राणियों के प्रति सजग करने में, उसके प्रति उत्साह, उनके प्रति संवेदना पैदा करने के लिए हम लोग सफल हुए इस बार।